सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं सब? सो आई एम तमुगना घोष. आई एम करंटली डूइंग MBBS एट एम्स न्यू दिल्ली एंड दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल. सो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन आते रहता है कि नीट में क्या होगा, किस पैटर्न में होगा, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए. तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ एक रियलिटी वीडियो शेयर की जाए कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट्स डू सो दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक एंड यू कैन रेक्टिफाई योरसेल्फ अकॉर्डिंगली और आप बहुत अच्छा कर सकते हो. सो फॉर योर बेनिफिट डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ सीरियस बातें करूँगा. किसी को ऑफेंड नहीं करना है, किसी को ऐसा कुछ छोटा नहीं दिखाना है, बट आई वॉन्ट टू स्पीक द ग्राउंड रियलिटी क्या होता है और क्या करना चाहिए सो दैट यू डू वेरी वेल. सो ये वीडियो इज जस्ट फॉर योर बेनिफिट, ताकि आप मिसगाइडेड ना हो, आप वो गलती ना करो एंड यू डू वेरी वेल. सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको आगे का भी जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे. सो दैट आई कैन शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसिस विथ यू विच हेल्प मी फेस 680 आउट ऑफ 720 इन नीट 2017. और एम्स में मेरा ऑल इंडिया रैंक 3rd आया था और मैं अभी एम्स दिल्ली में हूँ, ताकि आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो. तो देखो, नीट में एक एक चीज़ बहुत कॉमन जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है ना, कि 75-day स्ट्रेटेजी, 60-day स्ट्रेटेजी, हाउ टू डू बेस्ट इन नीट, द बेस्ट बुक्स फॉर नीट, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर नीट, गोल्डन स्ट्रेटेजी फॉर नीट, हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 नीट बायोलॉजी, ये सारे वीडियोज़ बहुत चलते हैं. लेकिन जो ग्राउंड वाला वीडियो, जो बिल्कुल बेसिक वाला वीडियो, जो पढ़ाने वाला वीडियो है, सच में आपको कोई एक चैप्टर पढ़ा रहा है, सच में आपको कोई एक कंसेप्ट करा रहा है, किसी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, उस वीडियो में व्यूज ही नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि बच्चे को सिर्फ हवा में ऊपर ऊपर स्ट्रेटेजी सुनना पसंद होता है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना पसंद नहीं होता. आप खुद सोच के देखो, मैं भी अपने चैनल पे या किसी और मीडियम पे जो भी वीडियोस डालो, अगर मैं स्ट्रेटेजी वीडियो डालो, अब सबने देखे है, लेकिन अगर जैसे ही मैं फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ाने लग गया, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ाने लग गया, बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने लग गया, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम माई डियर फ्रेंड. लोग करते क्या है, स्ट्रैटेजी वीडियो देख के छोड़ देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. स्ट्रैटेजी वीडियो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना माई डियर फ्रेंड, दैट इज़ द रियल गेम. अगर आप सिर्फ सुन के रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको वो इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, तो इसमें आपको मेहनत करना है. ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप स्ट्रैटेजी सुन लिए और सब कुछ अपने आप हो जाएगा. यू हैव टू इन्वेस्ट द एफर्ट, यू हैव टू ग्राइंड योर सेल्फ. सुबह से शाम तक आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करना है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो देखो, मैं आपके बेनिफिट के लिए इतने सारे वीडियोस बना चुका ऑलरेडी. मैं हर रोज़ मैं काफ़ी सारा लाइव सेशंस लेता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ सिर्फ. ठीक है, चाहे वो अनअकैडमी ऐप हो सकता है, वो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल हो सकता है, कहीं पे भी. तो उसका जो भी है उसका लिंक मैं टेलीग्राम में दे देता हूँ. मैं पहले से चैप्टर बता देता हूँ, ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, और आफ्टर द सेशन आई शेयर वट एवर PDF वी हैव डिस्कस, तो उसका मैं एक मटेरियल भी आपको टेलीग्राम में भेज देता हूँ. तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना इफ़ यू हैवंट जॉइंड. सो देखो, मेन चीज़ ये है कि आपको मेहनत करना है. और जो मिस्टेक्स हो रहा है, सपोज आप एक मॉक टेस्ट दियो, ठीक है, मॉक टेस्ट हर कोई दे रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज है, कोई ना कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद हर कोई उसका एनालिसिस नहीं करता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉक टेस्ट देने का अगर वेटेज 30% है, एनालिसिस का वेटेज 70% है. ठीक है, तो 70% जो ये फैक्टर है, लोग मिस आउट कर जाते हैं. अब लोग सोचते हैं, मेरा स्कोर इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं, भैया मैं तो 400 में ही अटक गया, मेरा 500 क्यों नहीं हो रहा है, मेरा 600 क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो 350 स्कोर करते रह गया, मेरा स्कोर क्यों नहीं इंप्रूव है. अरे, इंप्रूव होगा कैसे अगर आप उसको एनालिसिस ना करोगे? तो आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ पे लैक्यूने हो रहा है, कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे गलती हो रही है, और उसको सुधारो. उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा. ऐसे हवा में आप उड़ रहे हो कि मॉक टेस्ट दे दिया, चलो बहुत काम कर लिया, लेकिन मेरा मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव कर रहा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ. अरे, पढ़ना सब हर कोई पढ़ता है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. ये याद रखना, कभी भी कोई भी अपने कंफर्ट जोन के रह के बहुत सक्सेसफुल नहीं बने हैं. ठीक है, यू हैव टू वर्क हार्ड, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मेहनत करो, रगर के मेहनत करो, तभी कुछ हो पाएगा. ठीक है, तो हर एक दिन अब एक प्लान्ड वाइज पढ़ो. अब तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड करो, टाइम तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड करो, ताकि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए. और मैं ये बहुत ऑब्जर्व किया हूँ, बायोलॉजी आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक पढ़ लेते हो, लेकिन फिजिक्स में आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो. ऐसे कि क्यों आप डर जाते हो?
कि जब भी मैं कोई बायोलॉजी सेशन लेता हूँ अब लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस होता है। रात को मैं जो ऑर्गेनिक सेशन लेता हूँ वो बहुत काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग आते हो, अब अच्छा अच्छा आंसर करते हो। मैं भी खुश हो जाता हूँ कि इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी आप इतने आसानी से आंसर कर दिए। लेकिन फिजिक्स में इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का, मेरे को नहीं पता, शायद टीचर फैक्टर हो सकता है, शायद आप मेहनत नहीं की हो, कोई भी फैक्टर हो सकता है, आई डोंट नो, ये आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन फिजिक्स से बहुत सारे बच्चे डरे हुए रहते हैं, तो फिजिक्स से डरना नहीं है। पर्सनली मेरे को फिजिक्स ईजी सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि बायोलॉजी में इतना सारा याद करना है, फिजिक्स में कुछ याद नहीं करना है, ऐसा कुछ कुछ लिमिटेड फॉर्मूले याद करना है, बाकी सब उसका एप्लीकेशन है। जस्ट फॉर्मूला को अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा, और आंसर एग्जैक्ट आता है। मतलब बायोलॉजी में तो फिर भी देखो दो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, आपको मोर करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है, बहुत ऐसा होता है, और ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत आपके साथ प्रैक्टिस कराता हूं। लेकिन फिजिक्स में तो डेफिनेटिव आंसर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 2.5 आना है तो 2.5 ही आएगा, 2.6 अगर ऑप्शन में उसको आपको टिक नहीं करना है, 2.5 ही टिक करना है, तो फिजिक्स में एक सर्टेनिटी आता है, तो जो मेरे को बहुत पसंद होता था, इसलिए मैं फिजिक्स में तो, मतलब फिजिक्स मेरे लिए तो काफ़ी ईजी था। तो देखो, और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक फिजिक्स ईजी फॉर यू, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों को डर लगता है, आप लोगों से नहीं हो पाता है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन नहीं हो पाता है, और ठीक से अगर अप्लाई भी कर रहे हो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। सो मैं अपने साइड से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू, लेकिन आपको मेरे सेशंस देखना है। अगर आपको सिर्फ ये जान के अच्छा लग रहा है कि आप मैं सेशन कंडक्ट कर रहे हो और वो जान के आपको खुशी मिल रहा और आप सेशन देख नहीं रहे हो, तो ये गलत बात है, तो इससे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखना, किसी चीज़ से भागने से आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर फिजिक्स से डर लगता है, अगर फिजिक्स से भाग रहे हो, कभी भी फिजिक्स में इम्प्रूव नहीं करोगे। फिजिक्स में ऐसे ही मार्क्स आएगा, 180 में 40 आएगा, 50 आएगा, ऐसे आएगा, और आपका रैंक पीछे चला जाएगा, कोई आपके आगे निकल जाएगा, कम मेहनत से आपके आगे निकल जाएगा, क्योंकि फिजिक्स इज जस्ट अबाउट कॉन्सेप्ट्स। तो यार मेरे सेशंस में आया करो, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम देयर टू हेल्प यू। सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं सब कुछ मेंशनड है, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, सब कुछ फ्री है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखो, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं जब भी कोई सेशन लेता हूँ आ जाया करो, और उसको अगर आप एक घंटे का सेशन लेते हो, अगर एक घंटा पूरा नहीं देख पाते हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आधा घंटा देखो और हर एक सेशन में आओ। और अगर आप बीच में सेशन मिस कर देते हो क्या होता है कि एक गैप हो जाता है, फिर आप अगर नेक्स्ट सेशन में आते हो आप पूछते हो कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं कॉन्सेप्ट, तो क्योंकि वो पिछले सेशन में कवर हो चुका है, और आप फिर डिप्रेस हो जाते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी इज द की, आपको हर एक सेशन अटेंड करना है और मेहनत करना है। अब अभी देखो 26 जुलाई को नीट होने वाला है, ठीक है, तो अभी वी हैव अराउंड टू मंथ्स लेफ्ट, और इस 2 महीने अब रगड़ के मेहनत करो, यू विल बी रिवार्डेड, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बाय फॉर नाउ।